तो गाइस ये देखिए हमारे कॉलोनी में पानी की फिटिंग हो रही है, नगर निगम के जो पानी आता है टंकी का उसकी फिटिंग हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे घर का कनेक्शन हो रहा है समरसेबल का, क्योंकि हमारे जो कॉलोनी थी उसके अंदर अभी तक समरसेबल का कनेक्शन हुआ नहीं था, पानी का जो टंकी से पानी आता है उसका कनेक्शन नहीं हुआ था। तो हमें रहते हुए लगभग यहाँ पे 12 साल हो गया और 12 साल में अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम कनेक्शन हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि समरसेबल के पानी का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है घरों का, और कैसे कैसे पानी को घरों में पहुंचाया जाता है, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से समरसेबल का कनेक्शन होता है। तो गाइस ये देखिए हमारे कॉलोनी में पानी की फिटिंग हो रही है, नगर निगम के जो पानी आता है टंकी का उसकी फिटिंग हो रही है। ये देखिए हमारे घर के सामने गड्ढा कर रखे हैं, और यहाँ पे हम गड्ढा करवा के अपना यहाँ पे ये दीवार ये है यहाँ पे मतलब छेद करवा के जो हम कनेक्शन लेंगे। जस्ट ये हमारी टंकी है, मैं आपको खोल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी टंकी जस्ट इसके बराबर में हम यहाँ पे समरसेबल का पानी का कनेक्शन लेंगे। और यहाँ पे मोटर वोटर है, यहाँ पे कनेक्शन लेने का फ़ायदा ये रहेगा हम इस पानी को डायरेक्ट टंकी में भी चढ़ा सकते हैं मोटर के थ्रू, तो काफ़ी सही है। और हमारे यहाँ भी फाइनली कनेक्शन हो रहा है, तो इस अभी मैं आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से कनेक्शन होता है पूरे में। यहाँ पे कनेक्शन के लिए हमारे यहाँ गड्ढा हो रहा है, ये पानी का कनेक्शन आएगा टंकी का और यहाँ पे हम करवाएंगे। तो अभी हमारे कॉलोनी में पानी का कनेक्शन होने लग गया है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है पानी का, जो सप्लाई का पानी आता है वे। तो गाइस देखिए यहाँ पे गड्ढा खोद गया है, और ये है पानी की पाइप मोटी वाली 4 इंची की है, इसके अंदर से कनेक्शन होता है देखिए। और ये है पाइप जो कनेक्शन होएगा घर तक जिसमें आएगा, ये भैया जो कहते हैं देखिए किस प्रकार से होता है। कम कर दो रुक जा भी। तो गई अभी ये कनेक्शन होएगा, इसके अंदर अंदर से फिर हमारा ये दीवार तोड़ के अंदर कनेक्शन आएगा यहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात ये है ये पूरा फिट करके देंगे पाइप वाइप, और अच्छे से तैयार करके देंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा, दीवार के अंदर तक तो हो गया ना। हाँ सही है ना, सही है भाई। तो गाइस यहाँ तक तो पाइप आ गया पूरा, ये देखिए यहाँ पे भी हो गया सेट, अब इसे बंद करेंगे। ज्यादा ना देखो यहाँ जब हम यहाँ टायर लगा के चले जाओ ना, जब नंबर आवे और सब गलियों में सब जगह तभी तो कमाई है। अभी रोड इतना बनेगा कितने दिन है इनको, इतना कुछ साल बना ज्यादा मत आगे से बरसात में बना पता ना आगे कोने पे रह गया था। तुम्हें पता ना है सरकारी काम कैसे हो, कई बार करवा है कई बार करवा एक बार कहाँ करवा लेंगे जानू। अभी हमारा इस पे अभी रोकना है,
तो गैज पाइप बिछाने के बाद यहाँ पे ये टाइल लगा रहे हैं और टाइल अच्छे से सेट हो जाएगा फिर। हाईटेक तो वेब सिटी, हाँ वेब सिटी हाईटेक, उसके आगे सेंटर। यहाँ से तो कनेक्शन हो गया है, अब घर में किया जाएगा इसके थ्रू, यहाँ पे कनेक्ट करके और अंदर ले जाया जाएगा। तो गाइस देखिए गड्ढे को अब भर देंगे और इसके ऊपर टाइल बिछा देंगे। दो कनेक्शन हो गया, एक हमारे का और एक ये जो दिख रहा है ये इस घर का कनेक्शन है और यहाँ से होएगा। वैसे ही हमारा भी यहाँ पे आया है, अभी इसके अंदर कनेक्ट करके और हम अपने घर में यहाँ पे तीन सी टंकी लगा के करवा सकते हैं, तो वहीं करवाएंगे। तो अब गड्ढे को भरा जा रहा है और अभी कुछ टाइम बाद जब पूरे हमारे जो आसपास के कॉलोनी हैं और घर हैं मतलब उसमें पूरा कनेक्शन हो जाएगा तो पानी भी चालू हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया काम है, थोड़ा टाइम लग गया हमारे इधर आने में पर आखिरकार हमारा भी कनेक्शन हो ही गया। जैसा कि गाइज आपने इस वीडियो में देखा, मैंने आपको दिखाया मेरे घर पे समरसेबल का कनेक्शन दे दिया गया है पर उसे है अभी पूरी तरीके से इन्होंने घर के अंदर नहीं दिया। बाकायदा जो समरसेबल का कनेक्शन होता है घर के एकदम जस्ट वहाँ पे ऊपर तक देते हैं, वे उन्होंने ज़मीन पे लगा के छोड़ दिया है, अभी पूरा किया भी नहीं है। मतलब अभी वैसे तो घर तक ला दिया पर जो थोड़ा ऊंचाई पे रखते हैं वे नहीं किया और ये करेंगे बाद में, अभी तो काफ़ी रह गया है काम। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया किस प्रकार से कनेक्शन होता है समरसेबल के पानी का, टंकी का कनेक्शन कैसे होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नए नए कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।